हाँ जी, गुड मॉर्निंग। एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गया ब्लॉग ही बनाया हमने, तो थोड़ा बिजी चल रहे थे। चंडीगढ़ से हम लोग शिफ्ट हो गए सोहना में, जो कि गुड़गांव के साउथ में पड़ता है। तो आज सोचा ब्लॉग बनाते हैं। तो अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो आपको रास्ता वगैरह दिखाता हूँ कि कैसा है मेरा ऑफिस। यहीं पास में पड़ता है, 20 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट चलते हैं। और जो सोसाइटी जहाँ पर हम रह रहे हैं, इसका नाम सिग्नेचर ग्लोबल द सेरेनाज है। तो इस तरीके से कुछ व्यू है यहाँ का। हम लोग 7th फ्लोर पर रहते हैं। चलो फिर। बाइक खड़ी है। हम लोग जहाँ पे अभी रह रहे हैं, ये अभी नई रोड बनी है यहाँ पे, सोहना गुड़गांव हाईवे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन गया है। और ये एक नया एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि अपना इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा। तो इसका भी यहीं से रैम्प स्टार्ट हो रहा है। अभी तो बंद कर रखा है, चालू नहीं है, पर ये यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता पे जाता है। और अब ये यहाँ से सर्विस रोड से सोहना गुड़गांव एक्सप्रेसवे पे एंट्री हो जाएगी। इस एरिया में काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है। ये एक और सिग्नेचर की कोई सोसाइटी बन रही है, सिग्नेचर ग्लोबल पार्क। तो काफ़ी क्लीन है एरिया आसपास, और पास में अरावली हिल्स भी दिखते हैं थोड़े थोड़े। और रोड की कंडीशन भी काफ़ी सही है, देखते हैं कब तक रहते। अभी तो नहीं है रोड, लेकिन सही। और ये यहाँ पे ऊपर की तरफ जो रोड जा रही है वो है अपना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और ये यहाँ से हम अभी एंटर कर जाएंगे अपना। कम्प्लीटली एलिवेटेड रोड है, तो आप देख सकते हैं कंडीशन। अभी देखते हैं हम कितने इस पर। और एवरेज स्पीड भी इस पर अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर पर आवर की है। बाइक्स कार सब अलाउड है, एंड पूरे रोड पे लाइट्स लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स। अब डायरेक्ट ये एलिवेटेड रोड जहाँ से मैं एग्जिट लूँगा, वहाँ से लेफ्ट लेके मेरा ऑफिस आ जाएगा। तो एकदम पास में ही है, 20 किलोमीटर कवर करने में अप्रॉक्सीमेट 20 मिनट्स ही लग रहे हैं। ये रहा अपना। घर से निकलते ही 5-6 किलोमीटर के बाद एक ही टोल पड़ता है, इसका नाम है घमरोच टोल प्लाजा। तो इसके लिए भी आपको अगर एक दिन में अप डाउन होता है तो अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये पड़ जाते हैं। पर अगर आपका एड्रेस यहाँ पे 20 किलोमीटर रेडियस के अंदर पड़ता है तो पास बनवा सकते हैं अपने गाड़ी के RC और एड्रेस प्रूफ दे के। तो हमने पास बनवा रखा है, जिसके चार्जेस अप्रॉक्सीमेट अपना 300 रुपये है एक महीने का। उसको बाद में आपको रिन्यू कराना पड़ता है। तो मेरे को अपना सिर्फ अपना फास्टैग एक्टिव रखना होता है, और यहाँ पे टोल कटता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने 300 रुपये का पास ले रखा है। पर टोल महंगा है ये। NH8 आ जाता है अपना दिल्ली जयपुर हाईवे। तो डायरेक्टली यहाँ से लेफ्ट अगर लोगे तो जयपुर की तरफ राइट दिल्ली वाली रोड आ जाएगी। और ये हम यहाँ से लेंगे अब लेफ्ट। थोड़ी सी यहाँ पे भीड़ होगी।
लेफ्ट में बिल्डिंग्स दिख रही है, यहाँ पे है ऑफिस। पहुंच गया टाइम पे, 23 हो रहा है, तो फिर चलते हैं ऑफिस। गाड़ी कर दी पार्क, चलते हैं लेफ्ट की ओर। तो अब मैं निकल गया हूँ अपने ऑफिस से घर की ओर, और वापस से मैंने पकड़ लिया अपना सोना गुड़गांव हाईवे। रात के टाइम भी काफी मस्त लग रहा है ये हाईवे।